आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है वो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है। इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका प्रक्रिया रहेगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। तो प्लीज गाइस आपको हमारा ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है, जो कि रतलाम से मेडिकल कॉलेज से वैकेंसी आ रही है जो कि स्टाफ नर्स की है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखते हैं महाविद्यालय रतलाम संबंध चिकित्सालय स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर केवल महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भर्ती परीक्षा के आधार पर जो कि MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी की जानी है, इसके हेतु निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया गया है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लास्ट डेट 25/4/2021 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की यहाँ पे देखते कुल रिक्त पदों की संख्या 390, जिसमें सीधी भर्ती होंगी आपकी 309 पोस्ट पर। संविदा हेतु 20% आरक्षित जो रही है 81 महिला स्टाफ नर्स की 309, ठीक है। यहाँ पे आपको वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैकेंसियां कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आरक्षित और उनकी डिटेल दे रखी है, थोड़ा मैं बड़ा करता जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे सके नोटिफिकेशन को, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ नर्स महिलाओं के लिए संविदा के लिए 20% के आरक्षण की यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें स्टाफ नर्स की, यहाँ पे अभ्यर्थियों के रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र के साथ, जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति और परीक्षा के अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। BSc अथवा जनरल आपका नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण होना जरूरी है। यहाँ पे स्टाफ नर्स की सैलरी 28,700 लेवल 5 की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे महंगाई भत्ता अन्य भत्ते आपको लाभ शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षण के से संबंधित नियमों की जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें, यहाँ पे आयु की सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है अनुसूचित जातियों के लिए, और आपके यहाँ पे नगर सैनिक निःशक्त जन महिलाओं के लिए यहाँ पे 18 से 45 5 वर्ष की अधिक छूट दे रखी है। आयु की गणना आपकी जो काउंट होगी 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। सामान्य शर्त दे सकते हो, उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय रतलाम द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की आपको घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आपको ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्धशासकीय सार्वजनिक उपक्रम पर काम करते हैं, न्यूनतम आपकी अर्हता व आपकी आयु सीमा के मापदंड को पूरा करने के दस्तावेज को आपको सत्यापन के वर्तमान समय में आपको अनापत्ति प्रमाण यानी NOC आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं आपको हायर सेकेंडरी के यहाँ पे आपके जितने परसेंट होंगे आपका अधिकतम मार्क 20 होगा, यानी 100% लाने पर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप 0.2 से मल्टीप्लाई जितने परसेंट है उसके हिसाब का आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। यहाँ पे JNM के 0.7 है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 100% आते 57 रहेंगे, बाकी आपके जितने परसेंट उससे गुणा कर देंगे जो आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। MSc के 10 है फिक्स है और टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको जो बनेगी वो आपको उसके यहाँ पे नियम दे रखा है तो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पहले 3 महीने के लिए निश्चित रूप से पारिश्रमिक आपको 10,000 रुपये प्रति माह पे दी जाएंगे। 3 माह के बाद आपका आपका एग्जाम होगा, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण के पश्चात ही आपको यहाँ पे नियुक्ति स्थायी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। संविदा की अवधि के अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होगी। चयन यहाँ पे सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक आपको अंक समान आते हैं तो उसके ऊपर आपको जन्म तिथि पर विचार किया जाएगा, अधिक आयु वाले को और कम आयु के ऊपर देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेवा अनुबंधन और सह आपका प्रतिभूति पत्र के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, अनाहर्ताएं आपको दे रखी है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके संबंधित तालिका ऑनलाइन आवेदन करने के 2/4 से लेकर 25/4 तक आवेदन कर सकता है। आवेदन में त्रुटि अगर कोई गलती होती है फॉर्म भरते 24/4 से लेकर 26/4 तक आप सुधार
कर सकते हैं। आवेदन में सुधार करने की तिथि 24 से लेकर 26 अप्रैल तक आ रही है, ठीक है, तो उसको सुधार कर लेना, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। आवेदन शुल्क 1000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे आपको अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के 800 रुपए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 900 रुपए यहाँ पे दिया गया। आवेदन कैसे करना है यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, इसके मैं बारे में बता दूं, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको दे सकते हैं किस तरीके से आपको मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र है, आपके संबंधित डिप्लोमा है, आपके एजुकेशन की फोटो, पहचान पत्र, 10वीं 12वीं की कक्षा का अंक सूची और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे रखना है। आपका फोटो सिग्नेचर 200 से अधिक नहीं होना चाहिए केबी से, ठीक है, बाकी आप दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट या घर बैठे आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्म भरने की तिथि, इनके बारे में जानकारी दे रही है, वो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से करना है, वो मैं जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए, जैसे अप्लाई पोस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स लिखा हुआ आ रहा है, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डोमिसाइल आपको एमपी ये करने है क्योंकि हमारी एमपी की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आपको बताना है, जैसे यूआर है, जो ओबीसी है, ये भी बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए नेशनलिटी आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर मेल आपको बताना है, फीमेल के, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर फीमेल के लिए है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, एज यहाँ पे बताना है, 1/1/2021 के अनुसार आपकी आयु क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता देंगे। इसके बाद आपका शादी, आपका स्टेटस बताना है, विडो है, सिंगल, मैरिड है, यहाँ पे आपको मैरिज डेट बतानी है। यहाँ पे आपके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, लास्ट चिल्ड्रन की बर्थ कब है, क्या वो ट्विंस हैं, यस या नो, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, और इसके बाद आर यू वर्किंग गवर्नमेंट या कॉपरेशन वर्ड बोर्ड या ऑटोनोमस के, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना क्या एक सर्विस वन, यस या नो कर सकते हैं, फिजिकली डिसेबल, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बताना है, उनका परसेंटेज की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक। ये सब यहाँ पे देने के बाद तो यहाँ पे देखिए ये चीज जब एक्टिवेट होगी ये आप दे सकते हैं, जब आपको यहाँ पे आपने कराओ नंबर चिल्ड्रन अभी फिलहाल, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काइंडली अटैच यहाँ पे आपको करना है, फोटो कॉपी मार्कशीट की, यहाँ पे आपको देखिए 10th की, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जिस बोर्ड से आपने किया एमपी बोर्ड से तो उसके बारे में बताना है, इंस्टीट्यूट आप जिस कॉलेज से किया उसके बारे में बताना है, ऑप्टेन परसेंटेज में यहाँ पे आप फॉर्मेट बताना है, 12th का भी यहाँ पे आप जानकारी देनी है, किस सन में, यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है ग्रेड फ्रेम में है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको बीएससी है तो उसके बारे में जानकारी है, किस सन में पास की थी, आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड का इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको बताना है, परसेंटेज पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे इसी तरीके से आपको देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, यस यहाँ पे आपको करना है, इफ यस है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के आपको अगर CGPA में है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, हैव यू एवर वर्क आपको संविदा एम्प्लॉई, यस, या यहाँ पे नो करके जानकारी देनी है, तो ये तो उसकी यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कब से लेके कब तक और यहाँ पे जानकारी देनी है, अगर एक से अधिक है तो यहाँ पे आप एक कर सकते हैं। टोटल नंबर और ईयर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, तो नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे अपना एड्रेस की जानकारी देनी है, ठीक है। एड्रेस में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, आपको स्टेट आपका मध्य प्रदेश फिक्स है, यहाँ पे डिवीजन बतानी है, ठीक है। इसके बाद पिन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका लैंडलाइन नंबर, तो यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। सेम एड्रेस है तो उस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नाम, IFSC कोड यहाँ पे आपको देना है, फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से फोटो अपलोड करने के बाद, फोटो और साइन के अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जो फ्रंट फोटो रहेगा वो सिग्नेचर के साथ रहेगा, फोटो ऊपर नीचे सिग्नेचर आना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अपलोड करना दोनों को एक साथ में रखते हुए, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना और 81+ यहाँ पे आपका जो कैप्चर है उसको फिल करेंगे, नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। इसके बाद प्रीव्यू आपका पेमेंट का रहेगा तो पेमेंट वहाँ पे कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के लिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसके बारे में ये वीडियो था, तो मैंने आपको जानकारी दे दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं, या आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया पर जोड़कर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड।